हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना वही फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते होंगे आप लोगों में से, सोचते होंगे कि अभी भी वही चैप्टर चल रहा है। देखिए, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और सारी चीजें समझ करके पढ़ना चाहते हैं ना। एक बार इस तरह से पढ़िए, उसके बाद से अपना क्विक रिविजन वीडियो भी होता है हर चैप्टर का, और आपके एग्जामिनेशन से पहले आप उन्हीं को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन डिटेल में पढ़ने का मजा भी है और आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। समझ में काफी अच्छे से आ जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी लेकिन काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, इसलिए हम लोग ऐसे चलते हैं। एनीवेज, पॉइंट क्या है कि हम लोग अब रिविजिट कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स को। तो आप बोलोगे कहाँ रिविजिट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी तक इरेशनल नंबर्स की बात तो की नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर तो आपको क्लास 10th में स्टार्ट हो रहा है ना। क्लास 9th में भी तो हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स को पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था चैप्टर, याद है? अगर नहीं याद है तो एक बार बुक खोल के देखिएगा, अपने अपनी क्लास के वीडियोस भी हैं, 9th क्लास के उसको भी देखिएगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, राइट। अब जो रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में लिखे जा सके और p और q दोनों ही क्या हो, इंटीजर्स हो, क्या हो दोनों ही इंटीजर्स, ठीक है, ये भी इंटीजर है आपका, एंड q एक नॉन जीरो इंटीजर हो, तो q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इफ दिस इज पॉसिबल, इफ दिस इज पॉसिबल, तो ऐसे नंबर्स हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर्स। एंड इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, इफ द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज अ नॉन जीरो इंटीजर, ऐसा नहीं हो सके तो उनको हम लोग बोल देते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक। अच्छा, और हम लोगों ने कुछ इरेशनल नंबर्स को लोकेट भी करना देखा था, है ना। तो अंडर रूट एन जो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट था उसको लोकेट करना देखा था हम लोगों ने। यहाँ पर एक स्पाइरल बनाया था, है ना, व्हील ऑफ थियोडोरस बोलते थे एक मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर। फिर हम लोगों ने अंडर रूट एक्स, वेयर एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, उसको भी रिप्रेजेंट करना देखा था। तो ये सारी बात हम लोगों ने 9th क्लास में की भी थी। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक तो ये चीज करेंगे जो इरेशनल नंबर्स है ना, रूट टू रूट थ्री, ये हमने लोकेट कर दिए थे वहां पर, क्या कर दिए थे, लोकेट कर दिए थे। लेकिन हम लोगों ने ये प्रूव नहीं किया था कि इरेशनल है। हम लोगों ने क्या बोला था कि आप अंडर रूट टू की जो वैल्यू निकालोगे तो 1.414 करते हुए आती चली जाएगी, लेकिन आती चली जाएगी कभी टर्मिनेट नहीं करेगी, ये कहां बताया, ये तो नहीं देख पाए। अंडर रूट थ्री को अगर आप लिखोगे तो आपको 1.732 करके वैल्यू मिलती जाएगी, ऐसा बोल दिया था, प्रूव नहीं किया था। हालांकि मैंने एक वीडियो में ब्रीफली बताया था, क्योंकि अंडर रूट टू वॉज द फर्स्ट इरेशनल नंबर डिस्कवर्ड, तो उसकी क्या कहानी थी वहां पर मैंने बता दिया था, लेकिन 9th क्लास के अपने सिलेबस में नहीं है सीधे तौर पर। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि मैंने इस तरह से नॉर्मली बाकी इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, लेकिन ये प्रूव नहीं किया था कि दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, एक तो ये बात। दूसरी चीज जो हम लोग रिविजिट करेंगे वो मैंने आप लोगों को 9th क्लास में भी बताई है, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं था। वो क्या था कि जो आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, दो तरह के आपका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, एक तो आपको मिल जाएगा टर्मिनेटिंग, एक मिल जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना ही टर्मिनेट कर रहा है, मतलब क्या होता है टर्मिनेट करने का, जैसे 2/5 है तो आपने लिख दिया 0.4, तो ये बस डेसिमल के बाद एक नंबर तक गया, खत्म हो गया। लेकिन आपको मैंने बोला 10/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, 3.3333 चलता चला जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एग्जैक्टली सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट, यहाँ पे तो एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3.3 बार। और देखिए दोनों ही तरह के नंबर्स p upon q फॉर्म में लिखे हुए हैं तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। लेकिन अगर इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल पाई इज एन इरेशनल नंबर, राइट, पाई है, रूट टू है ना, रूट टू या स्क्वायर रूट टू बोल दो, स्क्वायर रूट थ्री है, ई है, ये ऐसे इरेशनल नंबर्स हैं जिनका जिनको आप डेसिमल एक्सपेंशन जो है डेसिमल के बाद, ठीक है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरा, कोई भी ऐसे ब्लॉक ऑफ डिजिट्स नहीं है जो लगातार रिपीट कर रहे हो, ठीक। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते थे, है ना। तो यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, कि जब रेशनल नंबर वाले केस में, आपको मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर वाले केस में भी दो पॉसिबिलिटीज हो रही थी, एक तो टर्मिनेट होने की हो रही थी और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की हो रही थी। आप डिनोमिनेटर को देख करके ही, क्या जो डिनोमिनेटर है p upon q में डिनोमिनेटर क्या है, अगर आपने ये भी नहीं बताया तो बड़ी दुख की बात है,
है ना। दुख की बात इसलिए क्योंकि ये तो हम लोगों ने फोर्थ क्लास में ही पढ़ा होता है, फ्रैक्शंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। तो क्यू इज डिनोमिनेटर, पी इज न्यूमरेटर। क्यू कैसा है, क्यू को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से अगर इसके प्राइम फैक्टर्स को देख पाए, और इनके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते ही बता देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ये बात करेंगे। तो हम लोग इरेशनल नंबर्स को इन दो एस्पेक्ट्स में, एक तो इरेशनैलिटी प्रूफ करने के एस्पेक्ट में, दूसरा रेशनल नंबर्स के केसेस में डिनोमिनेटर का नेचर देख करके, उसके प्राइम फैक्टर्स का नेचर देख करके ये प्रेडिक्ट कर पाना कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, वो कर पाएंगे। ये बात हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में स्पेसिफिकली नहीं की थी, अपनी क्लास के वीडियोस में मेंशन है, लेकिन आपके सिलेबस में सीधे तौर पर नहीं था। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्या हो जाएगा। रिकॉल दैट एन इरेशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको बता ही चुका हूं, वही चीज लिखी हुई कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो की बात है। अच्छा, अब अपने को प्रूव करना है कि अंडर रूट टू जो है वो इरेशनल है। ठीक, अच्छा, इरेशनैलिटी प्रूव करने से पहले हम लोग एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने ब्रीफली लिख दिया, इससे एक थ्योरम निकल करके आती है, वो थ्योरम हम पहले समझ लेंगे और उस थ्योरम के बाद में हम समझ पाएंगे कि अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अच्छा, तो ये जो बीच में मैंने गैप छोड़ दिया, ये कौन से थ्योरम है, वो थ्योरम मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आराम से समझना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थ्योरम क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये ए जो है वो एक नंबर है, और यहां पर ए जो है वो ग्रामेटिकली लिखा हुआ है। ठीक है, एक लैंग्वेज का पार्ट है सीधा सीधा। तो क्या है, अच्छा, कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है और उसका स्क्वायर अगर हम कर दे रहे हैं और उसको कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड कर पाता है, क्या कर पाता है, पी डिवाइड करता है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इसका स्क्वायर किया और इसके स्क्वायर को अगर पी, स्मॉल पी इज अ प्राइम नंबर, ये डिवाइड कर देता है पूरा पूरा, यहां से आपको पूरा पूरा डिविजन हो जाता है, तो कहा जा रहा है कि ए को भी पी जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ये आपकी थ्योरम है। अच्छा, इसका उल्टा अगर देखोगे वो तो हमेशा ट्रू होगा, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए इसका उल्टा देखते हैं कि 15 है, अगर आप 15 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर तो हमेशा ही 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमेशा। क्यों, क्योंकि उसमें एक 15 तो आ ही रहा है, 15 इंटू समथिंग आ रहा है ना, तो जब 15 ऑलरेडी है और 15 पहले ही डिवाइड हो रहा था, तो अगर a डिविजिबल है p से तो a स्क्वायर तो हमेशा डिविजिबल होगा। लेकिन यहां पे तो उल्टी बात लिखी हुई है, यहां पे तो उल्टी बात लिखी हुई है। उल्टी बात कैसे हो सकती है, उल्टी बात क्या लिखी हुई है, उल्टी बात समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि 225 दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ठीक, 225 इज a स्क्वायर, इफ a स्क्वायर इज 225 then a is equal to 15, तो would 15 or will 15 be completely divided by 9? अब समझिए ये नहीं होगा, लेकिन 9 एक prime number नहीं है, समझ रहे हो, 9 is not a prime number, 9 तो एक composite number है, 3 into 3, देख लो, है ना। composite numbers के केस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि composite numbers की अगर बात की जाए, तो अगर किसी number का square आप किसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हो और कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन जब आप उसी नंबर को, ये तो नंबर का स्क्वायर है ना, 15 स्क्वायर है, वो नंबर कितना हो गया 15, 15 को अगर आप उसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो कंप्लीटली डिविजिबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोगों के केस में हम कंपोजिट नंबर्स को डिनोमिनेटर नहीं ले रहे थे, आप ध्यान करिए, मैंने ए स्क्वायर अपॉन पी बोला था, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं एक बार सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ नंबर्स के साथ, क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, जब हम लोग 9 10th में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत बार जो वेरिएबल नोटेशन हैं P1 P2 P3 इनको देख करके ही डर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, दुख की बात है, मैं भी डर जाता था, कुछ ऐसा अननेचुरल नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से न्यूमरल्स से मैथ्स पढ़ते आ रहे थे, 1 2 3 4 5। अब आपको मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, कि A इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4
इंटू पी फाइव डॉट 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 इंटू पी एम। इस इक्वेशन को देखकर के डर लग जाता है, लेकिन इस इक्वेशन में डरने की कोई बात नहीं है। इसको ऐसे सोच सकते हो ना, मान लो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 7 = 210, 210 × 11 = how much 0 1 23। एक ये नंबर है, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना मिलेगा 1150 मिलेगा, नहीं नहीं 1155 सॉरी, ठीक है। अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा 3 × 5 = 24 8155, ठीक है। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है 7 × 7, अब ये 7 से डिविजिबल है 11 आ गया, और आपने 11 से किया तो 1 आ गया, ठीक। तो ये जो नंबर अपने को मिला था कितना 2310, ऐसा कुछ नंबर है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आपने लिखा हुआ है 2 × 3 × 5 × 7 × 11। ये देखकर के डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये देखकर के डर लग जाता है, इसलिए मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है, ये a हो सकता है आपका, और ये p1 क्या है, पहला प्राइम नंबर, 2 ये क्या है, सेकंड प्राइम नंबर, ये क्या है, थर्ड प्राइम नंबर, ये क्या है, फोर्थ प्राइम नंबर, ये क्या है, फिफ्थ प्राइम नंबर, और यहां पर p5 जो है वही आपका pn के बराबर होगा, क्योंकि लास्ट जो प्राइम नंबर आ रहा था वो आपका फिफ्थ ही है, 11 ही हो गया, ठीक। तो जब भी हम लोग ऐसे लिखे ना, तो एक दो बार जब आप ऐसे करके देखना स्टार्ट कर दोगे कि अल्टीमेटली इस तरह का कुछ एग्जांपल बनता, तो आप रिलेट करना स्टार्ट कर पाओगे, है ना। अच्छा, अब इतनी कहानी कहने के बाद आ जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ के क्या करना है कि इफ ए स्क्वायर वेयर ए इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय पी, देन ए विल आल्सो बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय पी। अच्छा, इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि कोई नेचुरल नंबर हो गया, तो कोई भी नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा, ये बात कर ली थी, कोई भी नंबर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री डैश डैश पी एम। अब किसी को ये थॉट आएगा कि सर अगर मान लीजिए 40 है, तो 40 को तो आप 2 × 2 × 2 × 5 लिखोगे, राइट, तो इसको आप 2 to the power 3 × 5 लिख दोगे, लेकिन यहां पर आपने पावर तो लगाई नहीं है, यहां पर तो P1 P2 लिखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि आपका डाउट बहुत ही अच्छा है, क्या बोलूंगा, बहुत ही अच्छा डाउट है। यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि P1 P2 और P3 नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, P1 और P2 दोनों ही 2 भी हो सकते हैं, P3 भी 2 हो सकता है, ठीक। अच्छा, लेकिन ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, आगे बात समझ में। अच्छा, अब ये समझिए कि अगर a ये है तो a स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आप क्या करोगे, इन्हीं सारे नंबर्स को जो ऑलरेडी लिखे हुए थे p1 into p2 into p3 डैश 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 pn लास्ट में लिख दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया और इस पूरे को मल्टीप्लाई करा दिया आपने, p1 into p2 into p3 वही सारे नंबर्स हैं, है ना, into pn से। अच्छा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि आपको दिखेगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा ये, इसको इंटू PN स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना अगर हम लोगों ने यहां तक लिख दिया, अब क्या समझ में आ रहा है कि मैंने तो बोला है कि A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय P, ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, ठीक। तो जो पी है, स्मॉल पी है, वो कोई प्राइम नंबर था, वहीं से हमने बात करना स्टार्ट की थी, तो वो जो प्राइम नंबर है वो इन्हीं में से कुछ तो होगा, किन में से कुछ होगा, पी वन स्क्वायर में से। पी वन स्क्वायर क्या है, पी वन स्क्वायर तो किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर है, अगर वो प्राइम नंबर 2 है तो 2 स्क्वायर है, 3 है तो 3 स्क्वायर है, है ना। तो वो जो प्राइम नंबर है अल्टीमेटली आप इसी से आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा P1 into P2 into P3 dot 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 PN whole square, पूरे का square हो गया, क्योंकि सारे terms यहाँ पर square किए हुए थे, यहाँ से हम लोग directly लिख सकते थे। बात इतनी समझ में आ गई कि P1 P2 P3 dash 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 PN तक हम लोग जा रहे हैं, उन्हीं में से एक नंबर कोई P होना चाहिए, क्योंकि P तो एक prime नंबर है,
ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक होगा या P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा, तभी तो आप डिवाइड कर पा रहे हो इसको, अदरवाइज तो कर ही नहीं पा रहे हो। यहां तो क्या हो जा रहा है, सिर्फ स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर आप P1 P2 P3 में से कोई भी है और आप यहां से स्क्वायर हटा दो, जो आपने ऑलरेडी A लिखा हुआ था, A क्या लिखा हुआ था, देखो A कितना लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है A इज इक्वल टू P1 इनटू P2 इनटू P3 डॉट 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 डैश 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 या डॉट 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 कुछ भी बोल लो इनटू PN। तो अगर P ऑलरेडी इन्हीं में से कुछ है, तो इन्हीं में से तो कुछ है ही ना, P1 P2 P3 या PN में से कुछ है, तो इसको भी A को भी डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर P1 होगा तो P1 P1 कट गया, P2 होगा तो P2 P2 कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप A को पीछे डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक, तो यहां से अपने को क्या समझना जाता है कि इस केस में हम लोग क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे A को भी P से। और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि A को आप जब लिख रहे हो ना तो P1 into P2 into P3 dot 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 PN फॉर्म में लिख रहे हो, और ये यूनिक सेट है, यहां पर वो यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है। आप किसी भी रियल पॉजिटिव इंटीजर को जब आप प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिख रहे हो, तो वो जो सेट आया उन प्राइम नंबर्स का, वो यूनिक था। तो यूनिक था इसका मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई पी होना चाहिए, तभी ये डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बोल के रखा है ए स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय पी। तो यहां पर भी ये यूनिक सेट है और उन्हीं में से एक पी है, तो इसका मतलब यहां पर ए भी डिविजिबल हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो इस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग क्या बात करेंगे कि वाई स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अच्छा, यही हमारी थ्योरम थी, हम लोग प्रूफ करने जा रहे थे किसको, ये प्रूफ आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉपरली देखना है तो ये आपका प्रूफ है, आप वीडियो को पॉज करके नोट करके लिख सकते हो कि लिखा कैसे जाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, अच्छा, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप ऐसे खुश भी हो सकते हो। एक ऑफिस नाम की सीरीज आती थी, ठीक है, जैसे नाटक होते ना हिंदी में, मैं 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा, उसके बाद से फिर मैं बिट्स प्लानिंग गया सुपर 30 के बाद। तो जब बिट्स प्लानिंग गया तो वहां पर सब लोग इंग्लिश सीरीज देखा करते थे, तो मैंने तो हिंदी के नाटक थोड़े बहुत देखे थे, और मैं हॉस्टल में रहा हूँ बचपन से, तो मैं कभी टीवी ज्यादा देख नहीं पाया, लेकिन जब गया तो वहां पर सारे लोग इंग्लिश में सीरीज वगैरह देखा करते थे, और मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा था। तो शुरुआत में लोग अलग अलग तरह की बात करते थे कि ये देखा हूं मैं, वो देखा हूं, मैंने कभी देखा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे कॉलेज के टाइम पर मैंने भी देखना स्टार्ट किया, तो ऑफिस नाम की सीरीज में ये माइकल नाम का कैरेक्टर है, जो बहुत ही फनी है, एक बॉस होता है एक कंपनी में, और काफी अच्छा है, सिटकॉम है, सिचुएशनल कॉमेडी होती है, और इंग्लिश इंप्रूव करने का भी एक अच्छा मीडियम होता है कई बार, क्योंकि आपको मजा भी आ रहा होता है और आप काफी अच्छे से भाषा को सीखना स्टार्ट कर देते हो। एटलीस्ट किसी भी भाषा को सीखने के देखो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। किसी भी भाषा को पढ़ना या सुनना ये पैसिव है, लेकिन किसी भी भाषा में लिखना और बोलना ये एक्टिव है। तो बोलने वाला एस्पेक्ट भले ही आपका बहुत अच्छा डेवलप ना हो पाए, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो और सिटकॉम्स या फिर इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सिटकॉम्स देखना स्टार्ट करोगे, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपकी इंप्रूव होने में मदद मिलेगी। ठीक है, एनीवेज हम लोग आ जाते हैं कि स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। अच्छा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की बात हम लोग यहां पर करेंगे। मैंने मान लिया ये स्टाइलस है, ठीक है, मैं बोलूं ये स्टाइलस नहीं है, ये तलवार है, मैं क्या मान लूं ये तलवार है, फिर मैं बोलूंगा ये अगर तलवार होगी और इस तलवार से मैं अपने हाथ पर मारता हूं ऐसे, तो खून निकलना चाहिए, कट जाना चाहिए, और मैं बोलता हूं देखो खून तो निकल नहीं रहा, तो बहुत ही घटिया टाइप की तलवार हो सकता है, भले ही ना निकल रहा हो, लेकिन अगर ये अच्छी तलवार होती तो कुछ तो होता। तो मैं बोल दूंगा देखो तलवार होगी तो हमेशा हाथ से खून निकलेगा, लेकिन क्योंकि हाथ से खून नहीं निकल रहा है, इसका मतलब जो मैंने माना था कि ये तलवार है वो मानना गलत है। आई बात समझ में? पहले ही मैंने कुछ अज्यूम कर लिया, कुछ मान लिया, और उसके मानने के बाद उस चीज से जो हो सकता है वो नहीं हो रहा, इसका मतलब जो मैंने माना था वो बात गलत होगी ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम करेंगे स्क्वायर रूट 2 की इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है, हम लोग मान लेते हैं कि भाई इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। क्या है? स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। अच्छा, अगर रैशनल होगा तो दिस कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है,
कोप्राइम मैंने आपको बताया था ना, ऐसे दो नंबर्स जैसे 15 और 8 हो गया, जो प्राइम नंबर्स तो नहीं है, प्राइम नहीं है। देखो ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है और 8 2 से डिविजिबल है, 2 into 2 into 2, लेकिन दोनों का आपस में वन ही एक कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं, जैसे 8/15 ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, 16/30 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि आप इसको 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हो 8/15, लेकिन 8/15 से और ज्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप यहां पर पहुंच गया। तो अगर मान लीजिए कि इसको मैंने कुछ 16/30 टाइप से लिखा हुआ है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक आइडिया, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होती है? जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को प्राइम नंबर्स हो। तो मान लिया कि इसको हमने किसी भी तरह से कैंसिल आउट किया और हमें जब को प्राइम फॉर्म में मिला तो ये अंडर रूट 2 जो था वो a अपॉन b फॉर्म में हो गया, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट 2 को p अपॉन q फॉर्म में लिखने के साथ ही ये लिख सकते हैं कि वेयर p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स, आप ये भी मान सकते हो। लेकिन अगर आपको एक और स्टेप की गहराई को समझते हुए एग्जामिनर को दिखाना है तो आप लिख सकते हो कि रूट 2 को मैंने अज्यूम कर लिया p अपॉन q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, बट p एंड q आर नॉट नेसेसरली को प्राइम नंबर्स एंड दैट इज व्हाई a अपॉन b फॉर्म में आपने उसको कैंसिल आउट करने के बाद से रूट 2 को a अपॉन b फॉर्म में लिख दिया। तो हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक। यहां तक तो हो ही सकता है ना, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर्स के प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, जहां पर दोनों ही इंटीजर्स हो। अच्छा, ये हम लोगों का पहला स्टेप हो गया और ये हम लोगों ने क्या कब एज्यूम किया है, जब अंडर रूट 2 आपका रैशनल नंबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 अपॉन a, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसी को आप रीअरेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अच्छा, अब आप ये समझो, क्या समझना है कि b आपका क्या था, एक इंटीजर था, ठीक है, b स्क्वायर भी इंटीजर होगा और a भी आपका इंटीजर था, a स्क्वायर भी इंटीजर होगा, लेकिन अगर b स्क्वायर एक इंटीजर है तो इसका मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा होगा a स्क्वायर की नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा ना। इसका मतलब अगर a स्क्वायर आपका डिविजिबल है, आ रही बात समझ में, क्योंकि b स्क्वायर एक इंटीजर है, तो इंटीजर होने के लिए a स्क्वायर को जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इंटीजर तभी तो मिलेगा जब आप a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हो, राइट। अगर आपके पास 15 है मान लीजिए, ठीक है, 15 तो वैसे होल स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन 15 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 7.5 मिल रहा है, कंप्लीट इंटीजर नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब 14 हो या 16 हो या कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग यहां पे थ्योरम लगा देते हैं। तो यहां से क्या समझ में आ गया कि ये बात अपने को इतना बताती है कि a स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, इतना तो समझ में आया। अच्छा, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको थ्योरम की याद आएगी। अब थ्योरम क्या बोलती थी, थ्योरम आपको बोलती थी कि इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर p, इन दिस केस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या हो जाएगा कि a should also be divisible by 2, यही तो थी थ्योरम। अच्छा, तो अगर a is also divisible by 2, इसका मतलब a is a prime number, और अगर a is an even number, तो if a is an even number, a can be written as 2 times c, where c is another number। अरे भाई, अगर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर को हम लोगों ने देखा था इसी चैप्टर में, देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि 2q फॉर्म में लिखा जाता है, तो 2q की जगह हम लोगों ने 2c फॉर्म में a को लिख दिया, ठीक। अच्छा, तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 था ना, अब a की जगह आपने लिख दिया 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो b स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4c स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 को आप 4 को कैंसिल आउट किया, यू गॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, इतना मिला। यहां से क्या हो गया, c भी एक इंटीजर है, ठीक। अच्छा, अगर c इंटीजर है तो यहां से आपको मिल जा रहा है c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2, ये मिल जा रहा है कि नहीं। अब c भी इंटीजर है मतलब
तो सी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। सी स्क्वायर इंटीजर इसका मतलब बी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा टू, तभी तो आपको इंटीजर मिलेगा। और अगर बी स्क्वायर को कंप्लीटली टू डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब थ्योरम से हम लिख पाएंगे कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, बी इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू। तो बी अगर टू से डिविजिबल है तो बी भी प्राइम हो गया, आपका ए भी प्राइम हो गया, तो ए और बी क्या को प्राइम हो पाएंगे? अरे भाई, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही टू से डिविजिबल है, ये भी टू से डिविजिबल है, ये भी टू से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही टू से डिविजिबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब दोनों ही अगर टू से डिविजिबल है तो क्या ये को प्राइम हो सकते हैं? उनमें टू कॉमन हो गया ना, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि एक ही कॉमन होगा, वन कॉमन हो सकता है एट मैक्स, और कोई नंबर कॉमन नहीं हो सकता। तो जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो गलत हो गया। यहां पे अपने को दिख रहा है कि बी एंड ए आर नॉट को प्राइम नंबर्स, जबकि हम लोगों ने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, और हम लोग स्क्वायर रूट टू को इस फॉर्म में लिख रहे थे। अब अगर हम लोगों ने ये कंक्लूड कर दिया कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, तो वो एजम्पशन क्या था कि अंडर रूट टू कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, और अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यही तो फॉर्म इरेशनल नंबर की होती है, रेशनल की, और नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोग थोड़ी देर के लिए चिल कर सकते हो, डांस कर सकते हो, गाना गा सकते हो, घूम के आ सकते हो। और नहीं समझ में आ गया तो एक बार थोड़ा फिर से दिमाग लगाकर समझना। मैंने कुछ कॉपीज चेक की कभी कभी, है ना, और इस ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, आता है, मतलब 80% ऑफ द टाइम्स आता है। मैं बोर्ड टीचर नहीं रहा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के साथ कभी मैंने काम किया, कुछ जगह पर मैंने कुछ टीचर्स के साथ उनको ट्रेन करने का भी कभी कभी काम किया, बीएड स्टूडेंट्स जो होते हैं, और वहां पर भी मैंने कॉपीज चेक की, तो इसका प्रूफ क्योंकि आता है तो बच्चे रट लेते हैं, और रटने में एक दो स्टेप्स भूल जाते हैं, लेकिन वो लास्ट में बहुत कॉन्फिडेंस से हिंदी में लिख देते हैं इति सिद्धम, इंग्लिश में लिख देते हैं हेंस प्रूफ, और वो बीच में स्टेप्स खा जाते हैं। तो खाने वाली स्टेप्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको खाना नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा तो फिर खाने का कुछ बचेगा ही नहीं। ये थ्योरम की तरह दे रखा है, लेकिन थ्योरम नहीं है, ये तो एक प्रूफ था। इस प्रूफ को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इस प्रूफ को आप खुद से भी एक बार समझ कर प्रैक्टिस करके करना, क्योंकि उसमें दो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है। मैं आपको ब्रीफली फिर से बता देता हूं। आपने अज्यूम कर लिया कि अंडर रूट टू जो है वो ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर्स। फिर आपने स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर कर दोगे तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अब बी स्क्वायर भी इंटीजर है तो बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर बाई टू। इसी क्वेश्चन से ऊपर वाले से आपने टू को नीचे ले गए, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। अब ये पूरा इंटीजर कब हो पाएगा, जो आपका ए स्क्वायर डिविजिबल हो टू से, और इसका मतलब जब ए स्क्वायर डिविजिबल है तो आपने थ्योरम लगा दी कि ए भी डिविजिबल होगा, और अगर ए भी डिविजिबल है तो आपने ए भी किससे डिविजिबल है, ए बाई टू इज, ये सही बात हो गई। ए भी डिविजिबल है तो आपको ए को आपने टू टाइम्स सी कोई भी एक इंटीजर इंटू टू करके लिख दिया, और जब आपने ऐसे लिख दिया तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहां से जो बी स्क्वायर है वो आपको मिल जाता है टू सी स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या समझ में आ जाता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू, और यहां से समझ में आता है कि बी स्क्वायर भी टू से डिविजिबल होगा। अब क्योंकि बी स्क्वायर डिविजिबल है तो आपने फिर से वही थ्योरम लगाई, तो आपको मिल जाएगा कि जो बी है वो भी टू से डिविजिबल है। इसका मतलब बी और ए दोनों ही टू से डिविजिबल है, तो आपने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम है वो गलत है। इसका मतलब अंडर रूट टू कभी भी इस फॉर्म में लिखा ही नहीं आ सकता, और यहां से आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कि अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बाकी कैसे प्रूफ करोगे, सोचो, अंडर रूट टू को आप निकालोगे, 1.414 आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, सामने वाले तो बोल देगा हो सकता है आगे जाकर के एंड कर जाए, तो आप इसको निकालते चले जाओ। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे डेसिमल एक्सपेंशन वाले फॉर्म में, खत्म हो जाएगी लाइफ, प्रूफ नहीं खत्म होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग को कोई अलग रास्ता निकालना पड़ता है, तो मैथ्स हमें एक नई अप्रोच बताती है लाइफ को देखने की। आ रही बात समझ में? अच्छा, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गई तो थोड़े दिन बाद आ जाएगी, है ना, कोशिश करते रहेंगे, ठीक। अच्छा, ये प्रॉपर प्रूफ था, आप इसको नोट करने के एंगल से अगर देखना है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, कोई डाउट इसमें हो तो आप मुझसे बाद में भी बात कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लेकर के बता सकते हो, ठीक। अच्छा, ठीक है, तो ये प्रॉपर प्रूफ था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्शन वी कंक्लूड दैट आवर अजम्पशन दैट अंडर रूट टू इज रेशनल वॉज इनकरेक्ट, है ना। तो हम लोगों ने यहां से प्रूफ कर दिया, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है वो भी आपको बताया गया है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से अंडर रूट 3 इरेशनल है, ये प्रूफ करने को आता है,
जैसे हम लोगों ने यहां पर किया एग्जैक्टली सेम मेथड को फॉलो करोगे, यहां पर बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि वो 3 का मल्टीपल आएगा 2 की जगह, और 3 के मल्टीपल आ रहे हैं इसका मतलब भी कोप्राइम तो नहीं हो सकते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 3 के मल्टीपल है तो कोप्राइम नहीं हो सकते, और वहां से भी हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ आप ऑलरेडी बुक में तो मेंशन है, लेकिन ये भी आता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रैक्टिस करो अंडर रूट 3 की, बहुत डिफिकल्टी आती है तो बताइएगा। एग्जैक्टली सेम है, लगभग लगभग पूरा ही प्रूफ सेम है। ठीक, अच्छा, इसका भी प्रूफ जो है वो सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में दे रखा है, अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, मत करना नोट, पहले खुद से ट्राई करना, 2-3 बार 4 बार गलतियां करना, गलती करते करते सीख जाओगे, और गलती करते हुए भी ज्यादा सीखोगे, नोट करके अगर आप आगे बढ़ गए तो सीख नहीं पाओगे, है ना। इसलिए मेरा सजेशन तो है कि आप ऐसा मत करिएगा, लेकिन सारे लोग मेरी बात मानते नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, ये उसका प्रूफ था। यहाँ पर देखिए ना, आपको 3 times आ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही 3 के मल्टीपल निकल करके आ जाते हैं, और इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। एनीवेज, द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, ये हम लोगों ने अपना कर लिया। अब अलग तरह की चीजें आती हैं थोड़ी सी, जैसे कि अपने को ये प्रूफ करने को आ गया, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब अपने को प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, एक एग्जांपल है अपना। अब समझिए, हम लोगों ने यह भी समझा था 9th क्लास में ही कि कोई भी रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल, इसमें आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, और रेशनल कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं, जीरो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी में भी तो जीरो हो जाएगा, तो वो तो आपको रेशनल कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है और इसमें आप किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो हमेशा आपको रिजल्ट मिल जाता है इरेशनल। ठीक है, ये बात हम लोगों ने की थी। यहां पर 5 तो एक रेशनल नंबर है, माइनस अंडर रूट 3 या फिर रूट 3 ही खाली देख लो, वो इरेशनल है, तो ये टोटल पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हो आंसर। ठीक है, अच्छा, इस आंसर में कोई तकलीफ नहीं है। इसमें आपने क्या बोला, आपने बोला कि 5 तो रेशनल है, ये इरेशनल है, इनके बीच में आप कुछ भी करोगे हमेशा इरेशनल मिलेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप बोल दो कि पहले तो आप अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ कर दो, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर आप ये बोलो कि देखो ये तो आपने इरेशनल प्रूफ कर दिया, और अब किसी भी रेशनल नंबर में आप किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा, तो थोड़ा सा और डिटेल्ड प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपने फिर से मान लिया कि भाई ये रेशनल है, इरेशनल है ही नहीं, और आपने यहां पर इसको a अपॉन बी फॉर्म में कर दिया। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने, आपने जो इरेशनल पार्ट आपको दिख रहा है उसको आप एक साइड ले गए, तो माइनस अंडर रूट 3 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, और इधर आप लेकर के आ गए a और b को, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस a अपॉन बी हो गया। अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है पूरा, क्योंकि a अपॉन बी आपने रेशनल माना ही हुआ था, तभी आपने a अपॉन बी फॉर्म में लिखा, तो ये सब कुछ आपका रेशनल हो गया। इसको आप और अच्छी तरह से लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 5b माइनस a अपॉन बी, ये तो आपको रेशनल दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि अंडर रूट 3 जो है वो कैसा है, इरेशनल, सो दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल, तो ये बराबर क्या सोच सकते हैं भाई, कुछ तो इसमें झोल है, कुछ तो झालमेल है, कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है कि आपने जो अजम्पशन ले लिया था यहां पर फिर से कि माइनस 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स को प्राइम नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये अजम्पशन ही गलत है, और ये अजम्पशन क्यों क्या बता रहा है कि ये आपका रेशनल है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। आ गई बात समझ में, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गई तो भी अच्छी बात है, जिसको हवा ही नहीं लगी उसको ही दिक्कत है, और हवा किसको नहीं लगेगी, जो हवा लेना ही नहीं चाह रहा है, जो कहीं और खोया हुआ है, जो पढ़ नहीं रहा है, वीडियो चला दिया है और कहीं और उसके सपने चल रहे हैं अपने, है ना। तो जिसको ये समझाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो भी बहुत आगे है, जिसको यही नहीं पता चल रहा है कि चल क्या रहा है ना, तो वो तो वही है मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में वैसा केस है ना, तो वो केस अच्छा नहीं है। एनीवेज, अच्छा, इसका भी सॉल्यूशन जो है
वो वही है जो मैंने आपको बाद वाला सॉल्यूशन बताया, उस तरह से नॉर्मली आपके बुक्स में दे रखा है। लेकिन जो पहला वाला मेथड है वो भी गलत नहीं है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। मैथ्स आपको कहीं भी पहुंचने के हजार रास्ते बताती है। आपको इधर जाना है, घर आपका यहां पर है, आपका यही रास्ता थोड़ी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो एक ही चीज को प्रूव करने के कई सारे तरीके पॉसिबल होते हैं। कभी कभी बहुत दूसरे तरीके बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाते हैं, जैसे अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने का कोई दूसरा मेथड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे तो नहीं आता है ना। मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है, इसको लेकर के आप लोग ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए, मैं तो अपनी सीधी सीधी बात आपको बताता हूं। मैं पढ़ने में अच्छा था लेकिन मैंने भी मक्कारी बीच बीच में की, सुपर 30 में मैंने टॉप किया था, है ना। तो सुपर 30 टॉप करके भी पहुंचा तो आनंद कुमार सर मैथ्स बहुत पढ़ाते थे और फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटिवली कम देर के लिए पढ़ाई जाती थी। मेरा उस टाइम पर इंक्लिनेशन अलग था, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगी थी और मैथ्स में बहुत कम पढ़ने लगा था। तो 10th क्लास तक की मैथ्स में तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं थी, 11th एंड 12th में भी एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मुझे काफी पसंद थी, लेकिन मैंने कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत कम पढ़ी, मैंने लापरवाही की, नहीं पढ़ाई की अच्छे से, तो मुझे इनमें काफी तकलीफ रही। लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं 11th 12th को भी पढ़ता हूँ अभी, और कुछ कुछ मैथमेटिशियंस इनकी बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ बुक्स बहुत अच्छी हैं। अब मेरा कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री इंप्रूव होना स्टार्ट हो रहा है ना। क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि मैंने भी कुछ चीजों को छोड़ दिया। तो ऐसा होता है कई बार अपने साथ भी लाइफ में, है ना, छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं तो उन चीजों को ठीक करने का समय मिलता है, लेकिन बेहतर होता कि आप उसी टाइम पर कर लेते, है ना। अगर मैं कर लेता तो मेरी आईटी में बहुत अच्छी रैंक आती, वो अच्छी रैंक नहीं आई इसलिए मैं बिट्स प्लान ही चला गया, ठीक है। अच्छा एनीवेज यू ऑब्जर्व दैट, ठीक है, ये तो वही आपका जो सॉल्यूशन था वही आपने राइटिंग रिटन फॉर्म में, आप इसको भी ऐसा करके देख सकते हो, ठीक। अच्छा एक और इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 3√2 इज इरेशनल, इसमें भी आप वही वाला लॉजिक लगा सकते हो जो मैंने पहले बोला था कि आप एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया जहां पर आपको प्रूफ करना पड़ सकता है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर, ये तो आप प्रूफ करना सीख ही चुके हो। दूसरा तरीका क्या है, आपने मान लिया कि भाई रैशनल है, मान लोगे तो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। अच्छा तो √2 क्या हो जाएगा, √2 आपका हो जाएगा a/3b, ये इंटीजर, बी भी इंटीजर, एक इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी इंटीजर रहेगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, रैशनल। ये पूरा क्या हो गया, रैशनल, और ये क्या है, इरेशनल। तो ये यहां पर इक्वल नहीं आ सकता, बराबर कैसे लिख दिया आपने, तो जो माना है, माना क्या है आपने, 3√2 = a/b, ये अज्यूम किया है, तो ये अजम्पशन गलत हो गया, तो यहां से भी प्रूव हो जाएगा। तो ये प्रूफ भी आप लोगों ने देख लिया, कितना 1 मिनट में हो गया, है ना। जो आप फ्लो बन जाता है ना, तो आपको भी खटाक से समझ में आएगा कि अरे इसमें तो क्या है, तो चुटकी का है। नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ लोगों को √2 देख करके ही सदमा लग जाता है, कुछ लोगों को a/b देखा उनको लगता है a क्या है, b क्या है, ABCD कहां से आ गई मैथ्स में, तो वो इससे भी परेशान हो जाते हैं। डर उन चीजों से लगता है जिसको हम देखते नहीं। कुछ कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, आगे जाकर के पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीजों को समझने में बहुत कठिनाई होती है और बहुत सारी चीजें समझ में नहीं भी आती है, लेकिन ये उन चीजों का स्तर नहीं है। और वो नहीं आने वाले में भी कहीं ना कहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें छोड़ी है, लेकिन उन्हीं चीजों को जब मैंने दोबारा रिविजिट करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाती है। सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक। अच्छा ठीक है, ये वही प्रूफ है, इसमें भी √2 को आपने a/3b करके दिखा दिया और आपने बोल दिया कि ये तीनों इंटीजर्स हैं, तो ये वाला साइड जो है रेशनल हो गया और ये आपका इरेशनल जो मैंने आपको बताया था वही है, अच्छी तरह से लिखा हुआ अच्छी लैंग्वेज में, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस जो मैंने आपको बताया था बहुत ही ब्रीफली, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।